अबे ये क्या है वो सारे तो बंदे जुड़े हैं ना वो इसको थंडरबर्ड बोलते ही नहीं है वो इसको बोलते हैं बुलेट। अरे भाई बुलेट नहीं है थंडरबर्ड है। इतनी कैट पावर बुलेट की मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। अनबिलीवेबल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास या मी पब्लिक। सो यार अभी मैं आ गया हूँ तो आप चेक कर सकते हो मार्केट वाली साइड। तो यार आज मैं कुछ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि यार आज मैं निकला हूँ थंडरबर्ड लेके। तो आज मैंने ऐसे मन किया कि यार बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि यार आपने थंडरबर्ड आपने लिया तो है उसको क्या अचार डालने के लिए लिया हुआ है जो आप उसको निकालते भी नहीं बाहर और उस पर कोई वीडियो नहीं डालते कोई कुछ नहीं चक्कर क्या। सो मैंने बोला यार अभी उसको भी निकालेंगे कोई सीन नहीं है वो वाला उसको लेकर निकला हूँ बाहर। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गियर चेक कितना जाती है फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में और थर्ड गियर में। बिकॉज यार अपने यूट्यूब की फैमिली को ना मतलब कि थोड़ी ना क्या बोल रहा है मतलब ऐसे कुछ अलग करने का पड़ जाती है कि यार अलग कर कोई ऐसी चीज़ बताओ यार जो थोड़े पल्ले पड़े कि भाई कैसी है। तो आज हम चेक करेंगे कि इसकी कितनी मतलब कि फर्स्ट ईयर में कितनी जाती है सेकंड में कितनी जाती है थर्ड में कितनी जाती है तो ट्राई करके देखेंगे। गाइस यार मेरे को भी दे रहा है मेरा माइक मुझे दे रहा है जवाब। तो अब पता नहीं यार माइक का क्या सीन है देखना ये देखना गाइस इसमें आगे वाला टायर थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा मतलब पुराना हो गया ना ये देखना। अबे ये क्या है ओ सारे ओ भाई अबे ये क्या था क्या था यू एक मिनट वापिस करूँगा देखना ये क्या है ये देखना। ओ भाई ये क्या था इसमें बट बाकी पर एक बात बताऊँ आपको कंफर्ट इस बाइक में पूरा है। बाकी मैं बोलता हूँ यार बुलेट है बुलेट बुलेट में वोबलिंग तो होगी बट ऐसे थंडरबर्ड है मैं इसको बुलेट बोल रहा हूँ। मैं मेरे साथ जितने भी सारे मतलब के बंदे जुड़े हैं ना वो इसको थंडरबर्ड बोलते ही नहीं है वो इसको बोलते हैं बुलेट। अरे भाई बुलेट नहीं है थंडरबर्ड है। सो गाइस यार अभी हम आ गए हैं यहाँ बारादरी पुल के सामने तो आप चेक कर सकते हो। तो यार अभी इसके इंजर मंजर वाले चेक कर लेते हैं कुछ डीला तो नहीं है ना भाई कुछ हम लोग ये वाली बाइक है यार इसको ना डर ही लगता है इस पर कि यार कोई इसका पार्ट डीला ना हो क्योंकि ये बुलेट है कैसे जाते हैं बुलेट है कोई हिस्सा इसका डीला ना हो और खुल जाए ठीक है ना चेक करना पहले जरूरी है बाकी ओके है सब। तो यार अभी पुल खाली होने का वेट है अगर पुल खाली होता तो चेक करते हैं। गाइस यार आज विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है पता नहीं एक्यूरेट परफॉर्मेंस रहती भी है कि नहीं। अभी इस साइड से तो पुल खाली है साइड को फिर सक रहा हूँ मैं कसम से बोल खाली है अभी चल रहा है बट एक साइड को मैं पूरा एक साइड को ऐसे हो रहा हूँ वही वाले देख रहे हैं क्या करा लड़का यारा मेरी चक्कू ही होगा। अभी जित जब ये सारा खाली हो जाएगा ना उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलेगा चलो वीडियो ऑन है ऑन कर दिया है बाकी क्या रेडी फोर ओके अब लोग 125 फोर्थ गियर आराम से रखो भाई। सामने पुलिस वाले खड़े हैं तो ज़्यादा हम चेक कर भी नहीं सकते। सो मैंने तो अभी देखा तो अभी आपको साइड पर खड़े हो क्या उससे बातचीत करते हैं और सामने पुलिस वाले हैं यार वो दुखी करेंगे वो सोचेंगे क्या कर रहा है लड़का ये यहाँ पर।
सो एक बार फर्स्ट गियर हमने चेक कर दिया या 58, दूसरी बार 58 गया, मतलब फर्स्ट गियर जाता 58, तो सेकंड जाता है अपना इसका 83-84 के समथिंग। ऑल विंड लॉक बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गाइस थोड़ी मतलब लैक हो रहा पावर में। सो वैसे कोई मैटर नहीं है, 84 ठीक है यार, सेकंड गियर में यार बुलेट के हिसाब से। मैं इसको थंडरबर्ड के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, बुलेट के हिसाब से। पता नहीं आवाज आई भी है या नहीं है, ये वो मुझे क्लियरिफाई है ही नहीं है। विंड ग्लास इतना था ना, क्या बताऊं आपको, कि हद से ज्यादा विंड ग्लास। हम आ गए यहाँ पर, तो यार इसकी मुंडी बड़ी यहाँ घुमाते हैं, तो इसकी मुंडी इधर ही अच्छी लगती है। इसको भाई ने आर वाली लाइट डलवा दी, बड़े भैया के पास होती है ये, तो उसने इसको आर वाली लाइट डलवाई। पहले इसको सिंपल ऐसे गोल वाली थी, तो इग्नोर करना गंदा हो रखा है, कल वो कटरा गया था इसको लेके और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, परसों की बारिश हुई थी तो गंदा हो रखा है, उस चीज़ को इग्नोर करना। तो उसके बाद गैस मैंने डलवाया उसके ऊपर साइड मिरर, और सबसे प्यारी चीज़ इस बाइक की है वो है वो इसके अलॉय व्हील्स। तो चेक करो कैसे लग रहे हैं, और इसकी पैंट पे बॉडी पे रैप हो रखा है, इसका मतलब इसका कलर है स्टोन, हमने करवाया इसको मतलब ग्लॉसी ब्लैक। ओहो, और सामने 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 सीन हो गया, सामने सीन हो गया। चलो पुल के ऊपर कोई पंगा हो गया, चार पांच गाड़ी आगे भी चलवा रही है गाड़ी के। तो यार ये बुलेट है ये भागती नहीं है, मतलब जब भागना होता है ना इसने, मतलब यार भागती बहुत है, इसको घुमाने का हिम्मत भी चाहिए। कहीं स्लिप कर रहे हैं, कहीं मेरे गोटे टूट जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा भाई। तो भाई बजरी के ऊपर इसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि यार मसला पता क्या, इसका आधे वाला टायर नहीं है, मेरी मर्जी पतला टायर है, और साथ में इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, तो तभी अभी अभी हिट एंड रन का केस, इधर भी हिट एंड रन का केस है, मतलब गाड़ी ठोक के भाग गए। कपड़े भी फट गए बेचारे यार, ये बुलेट जिसके साथ बसता है ना, तुम उसकी का क्या हालत हुई है। क्या हो गया गाड़ी वाले तो क्या है, चल चल छोड़ो, चल ठीक है ठीक है। अरे पहले ही बता दी यार, ये लड़का तो मैं जानता हूँ इसको, अपने ही है ये भी। भाई आपका कहां से देख के आया, देखो मेरे को पहले ही पता चल गया गाड़ी वाले ने टायर नहीं दिया, वाले गलती है, तो छोड़ो यार, हमने लगाया जो भी हुआ वो तो हुआ, तो लड़का बच गया, लगा कि कोई हुआ नहीं ज्यादा, ठीक है ओके। मेरे को ना सच बताऊं आपको, मेरे को इसको चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जो बुलेट लवर्स है ना वो इस चीज़ को प्लीज मेरे को माफ करना, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार इसका चलाने का मेरे को क्यों नहीं मजा आता, क्योंकि ये बुलेट है, हैवी है, देखो ये देखना 83-84 जाता है, तो यार बुलेट है यार, बुलेट समझ रहे हो ना। मजा आया एक साइड पे, बट यार ये बुलेट की इतनी अच्छी पावर, इतनी कैंट पावर बुलेट की, मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ, अनबिलीवेबल। मेरे को ऐसा लग रहा ही नहीं है कि यार मैं बुलेट चला रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं हार रही चला रहा हूँ। पर चक्कर क्या, हार में फर्स्ट गियर में 85 समथिंग जाता, ये सेकंड में जा रहा है, क्या हो गया, है तो मिनी हार में बोल रहे ना मुझको।
फील, इसको चलाने का मजा आता है हाईवे पे ऐसे, मतलब कि 5 नंबर डालो, एक्सलेट थोड़ा सा क्लिक करो तो चलती जाए। हाँ मजा। बाकी यार क्या चीज बनाई है रॉयल इनफील्ड वालों ने, इसका इंजन इतना तगड़ा है ना गाइस, इतना इंजन नहीं मरता बुलेट का। अभी हमारे घर पे एक ऐसी बीस्ट खड़ी है ना, ऐसी बीस्ट खड़ी है, वो मैंने आज तक कभी रिवील नहीं किया ना किसी को दिखाई है, बट जिस दिन दिखाऊंगा ना उस बीस्ट को, एक्चुअली में उसकी टैंक लीक हो गया ना, उसका जो टैंक होता है ना पेट्रोल वाला, वो लीक हो गया, तो उसमें उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वो 3-4 साल से ना वो खड़ी है, उसका टैंक भी लीक हो गया, और उसके बाद गाइस उसका ना सब कुछ, मतलब इंजन पिंजर सब कुछ, ओ भाई तू इधर मत आना, मेरे को मत ठोकना, उसका मतलब इंजन पिंजर सब टाइट हो गया, जाम हो गया। बताओ गाइस जब थोड़े से, मतलब कि जब उसका टैंक मिलेगा ना, टैंक और उसका कार्बोरेटर तो मतलब कि ठीक है, बताओ थोड़ी गंदा हो गया है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो कमेंट करके बताना कि वो कौन सी चीज़ का, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट मुझे कर दो कि वो चीज़ दिखाओ, तो वो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो यार अभी का ब्लॉग का रखते हैं कुछ इतना ही, होप करता हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ब्लॉग कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और मिलता हूँ ऐसे ही मस्त ब्लॉग में।